नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द एनएच जीरो पर। पॉली हाउस का नाम आपने अक्सर सुना होगा, किसान आजकल बहुत जागरूक हैं और पॉली हाउस जगह जगह बन रहे हैं, लेकिन हम जहां पर खड़े हैं यूपी का पहला पॉली हाउस है और हमारे साथ फूलों की खेती के जनक कहे जाने वाले बाराबंकी में मोइनुद्दीन जी है। मोइनुद्दीन जी, बहुत स्वागत है आपका। पॉली हाउस बनाना एक सपना था किसान के लिए, कैसे आपने सोचा और कैसे इसको ज़मीन पर उतारा? ये मेरा भी एक सपना था कि खेती में मेरा, पहले मैं फूलों की खेती करता था, तो पहले तो मैं ओपन बाहर जो है ग्लबलस ही करता था, लेकिन एक ये जब मैं फूल लेके मंडी जाता तो मुझे अलग अलग किस्म के फूल दिखते थे, जैसे उसमें एक जरबेरा था, तो ये कुछ फूल हैं जो पॉली हाउस के अंदर होते हैं। तो मेरा भी एक सपना था कि मैं पॉली हाउस बनाऊँ और उसमें खेती करूँ। तो मैंने जब 2010 में मैंने पहला पॉली हाउस बनाया और उसमें मतलब फूल लगाया, जरबेरा लगाया, तो जो हमें जो प्रॉफिट हुआ बहुत अच्छा मिला, तो उसी से एक हिम्मत बन गई। फिर मैंने 2 पॉली हाउस और बढ़ाए और उसके साथ साथ गांव, आप तो आसपास में काफ़ी ज़्यादा पाली, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पाली हाउस लग रहे हैं और काफ़ी किसान मतलब यंग लड़के आ भी रहे हैं, बहुत काफ़ी पढ़े लिखे लड़के भी आ रहे हैं, बहुत यंग लड़के जो हैं कुछ खेती में करना चाहते हैं, काफ़ी लोग आए हैं। और मेरे फार्म पे भी लगभग डेली 10-15 किसान आते हैं जिनको मैं उनको पूरा खेती के बारे में बताता हूँ, और काफ़ी किसान जो है यहाँ से मोटिवेट होकर जो है अपना पाली हाउस लगाए हैं और उन्होंने सफलता हासिल की है। जैसे पहले था ना कि खेती कहते थे खेती घाटे का सौदा है, या कोई पढ़ा लिखा आदमी खेती नहीं करना चाहता, क्योंकि किसान शब्द आता ही है एक आदमी के मन मस्तिष्क में, किसान की जो छवि आती है तो बहुत अच्छी नहीं आती है। आज पता नहीं ये हमारे ये यहाँ पे है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है कि खेती को भी अगर टेक्निकल ढंग से कमर्शियल तरीके से किया जाएगा तो खेती में भी एक अपना व्यवसाय बनाया जा सकता है। और मैंने जब शुरुआत की थी शायद खेती की, तो मैं 50,000 रुपये KCC लोन लेके मैंने शुरुआत की थी। आज जो भी मैंने बनाया इस पॉली हाउस में या जो भी मेरा टर्न खेती से इनकम है, सब मतलब मैंने पॉली हाउस से खेती से ही बनाया है। आप 2010 की बात कर रहे हैं, आज 2022 है, बहुत आगे बढ़ चुका है हिंदुस्तान। 2010 में लेकिन पॉली हाउस के बारे में सोचना, घर में भी लोगों को समझाने में बहुत दिक्कत हुई होगी, कैसे एडजस्ट किया, कैसे शुरुआत की? जब मैं जैसे कहा ना कि खेती, आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, मेरे पिताजी किसान ही थे, लेकिन उन्होंने मुझे, हम लोगों को सबको पढ़ाई के लिए लखनऊ अपने शिफ्ट कर दिया था, वो यहाँ खेती करते थे, लेकिन हम लोगों को पढ़ाई लखनऊ में हुई। हम लोग 4 भाई थे और सभी भाई हमारे जो हैं, एक इंजीनियर हैं, एक CA हैं, मतलब सब मतलब वेल सेटल्ड हैं, जॉब में हैं। एक मैं ही, मैंने भी वकालत किया और जब वकालत करने के बाद मैंने घर में बताया मुझे खेती करना है, तो शायद मेरे घर वाले कोई नहीं तैयार था कि खेत जाके पढ़ लिख के क्या खेती करोगे, लेकिन मैं नहीं माना, मैंने हिम्मत मानी और मैं गांव वापस, लखनऊ से वापस गांव आया और मैंने खेती शुरू की। तो पहले तो 1-2 साल जब मैंने ट्रेडिशनल खेती, धान गेहूँ आलू किया, तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई, एक क्या है कि इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, जितना खाने पीने का बच नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, हमने कुछ नया इनोवेशन करना, इनोवेटिव देखना है। उसी समय मेरे मन में आया पॉली हाउस कर, मतलब जो है पहले फूलों की खेती करें, तो मैंने पहले तो ग्लेबडस खेती की जो है, उसी से जब मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ फूलों में, फिर मैं और आगे बढ़ा। तो ये था कि उस समय घर वाले जो विरोध कर रहे थे खेती करने के लिए, लेकिन जब मुझे पैसा मिला, सम्मान मिला, उसके बाद पैसे के साथ साथ हमें जो सम्मान मिला, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से 2 बार मुझे बेस्ट फार्मर अवार्ड मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी से, जैसे इस समय वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनसे, या इससे पहले भी जो सम्मान मिला, या हमें मीडिया में जो है काफ़ी पेपर में काफ़ी नाम आया, तो एक सम्मान जो मिला, तो उसके साथ साथ सबसे सुकून जब होता है कि पैसे के साथ एक सम्मान मिला। और मुझे सबसे बड़ा सम्मान जब मिलता है, मैंने खुद नहीं किया, मैंने अपने साथ अपने गांव के आसपास जितने गांव के लड़के थे उन सबको जोड़ा, हमने कहा सब लोग फूलों की खेती करो। आज वो पूरा मेरा गाँव एक सम्पन्न गाँव है। अच्छा। और फूलों के गाँव के नाम से गाँव मशहूर है, आप कहीं भी करेंगे तो फूलों के गाँव के नाम से जाना जाता है। यहाँ से लगभग इस गाँव से डेली 25-30 हज़ार फूल जो है, और सीज़न में लगभग 50,000 फूल पर डे का प्रोडक्शन यहाँ होता है, और लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे की मार्केट में भी निकल जाता है। पहले गांव बहुत बैकवर्ड था, आज लोगों को पैसा नहीं था, आज ऐसा है कि किसान जो है 2-3 लाख रुपये जो फूलों से पैदा कर रहा, तो सबसे सुकून जब मिलता है, मैंने अपने साथ साथ और गाँव के और लोगों के जो है, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी एक किसान, किसी मेरे संपन्न होने से जो है संपन्नता इस देश में नहीं आएगी, जब हर किसान जो है संपन्न होगा, हर घर में जो है पैसा होगा हर किसान के पास, तो सबसे बड़ा सपना यही है कि जो है, यही सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का भी है कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी करनी, तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है फूलों की खेती करने पर। इस पर सरकार को चाहिए कि और थोड़ा सा बढ़ावा दें, जो छोटे छोटे किसान हैं उनको भी पॉली हाउस की तरफ प्रेरित करके जो है लगाएं,
तो शायद किसानों की आय 2000 दुगनी क्या 4 गुनी तक भी हो सकती है। सर, जब आपने बताया कि धान और गेहूं की खेती करते थे, मुनाफा ज़्यादा नहीं हुआ था, तो कहाँ से मतलब आपको पता चला या कैसे आपने सोचा कि फूलों की खेती की जाए, क्योंकि ये भी उस समय अपने आप में एकदम नई चीज़ थी। हाँ, जब मैं 2002 की बात है, जब मैंने 2 साल मैंने खेती किया तो मुनाफा नहीं हुआ, तो फिर एक ये हुआ कि कुछ नया है, तो उसी समय मैंने फिर खेती के बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। उस समय मैं जैसे लखनऊ जाता था, क्योंकि मैं रहता लखनऊ ही था, तो मैं लखनऊ जाता तो देखता था मार्केट में जो है फूल काफ़ी महंगा बिकता है, तो फिर मुझे एक ये हुआ, जिज्ञासा हुई कि ये कहीं ना कहीं इसकी भी खेती होती हो, कमर्शियल किया जाता, क्योंकि ऐसे तो हम लोग घर में गमलों में फूल लगे होते हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि ये इतना महंगा बिकता है और काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा बिकता है, तो फिर मैंने जब उसके बारे में पता किया, तो फिर ये हुआ कि लखनऊ में एक हैं, एक साहब थे जो है, उनके मैं फार्म हाउस पे गया, एक अधिकारी थे, तो उन्होंने वहाँ देखा, उनसे उनके फूलों खेती बहुत बड़े लार्ज स्केल पे हो रही है, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ ये है, फिर मैंने उनसे इसकी प्रॉफिट के बारे में कैसे करते हैं सब उनके बारे में बताया, तो उन्होंने बताया, फिर वहीं से मेरा एक मन में आया कि मुझे भी फिर खेती करना है, तो मैंने 50,000 रुपये का बीज लिया और मैंने लगा दिया। अच्छा, तो जब जो 50,000 बीज से मैंने जो है खर्चा निकालने के बाद पहले ही 4 महीने में मुझे करीब 45,000 रुपये बचे। अच्छा, तो शायद वो बहुत ज़्यादा थे, मतलब 50,000 वो निकले और 45,000 रुपये के मैंने और मतलब प्रॉफिट हुआ, तो शायद बहुत ज़्यादा था, जो हम 45,000 रुपये 4 से 10 बीघे 4,000 4 बीघे में नहीं कमा पाते, तो मुझे 1 बीघे में मिला, तो वहीं से एक हिम्मत बन गई जो है, फिर मैं धीरे धीरे उसको बढ़ाता रहा, फिर पाली हाउस लगाया, आज हम 1 एकड़ 1 बीघे पाली हाउस से 4 से 5 लाख रुपये कमा लेते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी फूल हैं जिसके लिए पॉलीहाउस की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल ग्राउंड में भी? हाँ, उसमें कई फूल हैं, जैसे फूल तो कट फ्लावर में, जैसे वो ग्लैडुलस बताया ना कि पहले जो है वो पॉलीहाउस के लिए पॉलीहाउस की ज़रूरत नहीं होता है, वो सीजनल फूल होता है। अच्छा, ग्लैडुलस है तो उससे भी किसान अच्छा, उससे भी अच्छा, उससे भी लगभग 1 एकड़ में लगभग 1.5 लाख रुपये कमा लेता है। अच्छा, गेंदा है, गुलाब है, रजनीगंधा है, तो ये सवाल मतलब उन किसानों के लिए जो पॉली हाउस नहीं बना सकते? हाँ, वही ये थोड़ा सा महंगा प्रोजेक्ट है, इस पर मैंने भी गवर्नमेंट से भी ये कहा है ना कि ये जैसे 15 लाख रुपये एक छोटा किसान लगाने में हिम्मत नहीं कर सकता ना, तो इसमें कुछ थोड़ा सा ऐसी रियायत दी जाए छोटे किसानों को कि वो हिम्मत कर लें, जैसे सब्सिडी है जो बाद में लगाने के बाद आती है, पहले उस कंपनी ऐसा हो जाए कि सब्सिडी किसान को जो है पहले मिल जाए, या जो कंपनी बनाती है सब्सिडी उसको चली जाए, तो किसान को जो है 7-8 लाख रुपये लगेगा, क्योंकि पहले जैसे किसान है ना कि पहले में आपको 1,000 स्क्वायर मीटर में सब्सिडी पहले देनी मतलब जो है बाद में मिलती है, तो अगर सब्सिडी हम पाली हाउस बनाएँ और सब्सिडी अगर हमें पहले मिल जाए या उस जो कंपनी बना रही है सब्सिडी उसके खाते में चली जाए, तो उससे किसान के लागत थोड़ा कम आएगी। तो कितना खर्चा आता है पाली हाउस बनाने में, कितनी सब्सिडी मिलती है? एक पाली हाउस में लगभग जो है जैसे 1 एकड़ का पाली हाउस आप बनाएंगे, लगभग मान चलिए जो है 1400 से 1500 रुपये स्क्वायर मीटर का खर्चा आता है लगभग। अच्छा, अगर एक हम 1,000 स्क्वायर मीटर का पाली हाउस बनाएंगे तो लगभग 15 लाख रुपये खर्चा आएगा। अच्छा, मैं विद प्लांटेशन में मिला के उस पर 50% सब्सिडी जो है। अच्छा, मिल जाती है 1 एकड़ बागवानी मिशन द्वारा जो है मिलती है। तो ये पॉली हाउस लगाने वाले एक्सपर्ट आते हैं या? हाँ, ये एक्सपर्ट आते हैं, ये पौधा जैसे ये लगा ये सब टिश्यू कल्चर पौधा है, ये बाहर से आता है और पॉली हाउस बनाने वाले भी सब एक्सपर्ट आते हैं। तो इसकी ये पौधे वगैरह कहाँ से सब लेते हैं, कैसे? ये पौधे इसकी ये जो टिश्यू कल्चर लैब हैं जैसे पूना में है वहाँ से आते हैं, केफ बायो प्लांट का ये पौधा है तो ये वहाँ से आता है। अच्छा, टिश्यू कल्चर पौधा होता है। कितना कॉस्ट आती है सर पौधे की? पौधे का कॉस्ट लगभग 40 रुपये का। अच्छा, और जब ये फूल बेचने का क्या प्रक्रिया सर, कैसे जाता है मार्केट? ये पौधा लगाने के बाद जो है ये लगभग 30 दिन में फूल देने लगता है। अच्छा, और जब फूल तैयार हो जाता है तो फिर इसको हम तोड़ के जो है मंडी को भेजते हैं। अच्छा, और मंडी में जो है फिर ये बिकता है। समय में पता चला शुरुआती दिनों में आप स्कूटर से लेके जाते थे मंडियों में फूल, जब आप स्ट्रगल पीरियड था? नहीं, शुरुआती में तो मैं बस से यहाँ से लेके जाता था और अपने लखनऊ में जो है रखता था, फिर मंडी जाता था, फिर बस से जो थोड़ा पैसा आया फिर मैंने मोटरसाइकिल स्कूटर खरीदी, फिर स्कूटर से मोटरसाइकिल खरीदी, फिर मैंने कार खरीदी, तो अब तो मैं कार से ले जाता हूँ। हाँ, लखनऊ में मैंने मकान भी बना लिया, मतलब जो भी आज कुछ मेरा है मैंने सब कुछ फूल से ही बनाया। मैंने कोल्ड स्टोर भी अभी लगाया है, थोड़ा यही था कि गाँव में कुछ ऐसा दिया जाए गाँव में लोग खेती के बाद जो समय बचे तो जैसे कोल्ड स्टोर में कोई काम करना चाहे कर ले, तो हिसाब से मैंने कोल्ड स्टोर भी गाँव में ही अपने फार्म पे हाउस पे कोल्ड स्टोर भी बनाया। तो आज जो भी अगर मेरे पास है अब कहीं पे मेरी सिर्फ कमाई है, खेती के अलावा मेरा कोई बिजनेस नहीं है, जो भी मैंने बनाया खेती से बनाया। उन किसानों से 70-75 लाख रुपये का मेरा साल का एग्रीकल्चर टर्नओवर होता है। उन किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे सर जो खेती से दूर भागते हैं, कईयों के पास ज़मीन भी अच्छी है लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं करते या
करना नहीं चाहते? मैंने तो काफ़ी किसानों को, मतलब हमने आप किसानों, हमें गांव से लिए, आप किसानों से मिलिए, मैंने बहुत किसानों को मोटिवेट किया। बहुत से मैं देखता था जो लड़के थे हम लोग एज के, जो लड़के, तो वो लोग जैसे पहले शहर में देखते थे 5,000-6,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं और वह, और उनके पास खेती पड़ी, खेती नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बहुत किसानों को हमने कहा और समझाया, तो ऐसा नहीं, आज बहुत किसान मेरे साथ जुड़े हैं। कोई लड़के मतलब प्राइवेट नौकरी छोड़ छोड़ के या बहुत अच्छे पढ़े लिखे लड़के लोग भी खेती में आए हैं। तो मेरा यह है कि मतलब खेती को भी, जो किसानों से जो यंग हमारी जनरेशन है उनसे मैं यही कहूँगा कि खेती आप लोग करिए, ऐसा नहीं खेती मतलब कोई वो घाटे का सौदा नहीं है और कोई छोटा काम भी नहीं है जी। और खेती एक ऐसा काम है कि जो है इसमें आपको इज्जत के साथ साथ पैसा भी मिलेगा और एक वो नहीं, एक अच्छा है। हाँ, अब यह है कि उसको तरीके से करें और अगर उसमें कोई भी, अगर मेरी ज़रूरत पड़ती है किसानों के लिए, मैं उनके लिए 24 घंटे में तैयार रहता हूँ। सर, जब उत्पादन कम था तो लखनऊ मंडी में खप जाता था माल, उसके बाद दिल्ली भेजना शुरू किया, कैसे भेजते थे और अब कैसे भेज रहे हैं, कैसे उसे? जब मेरा पहले उत्पादन कम था तो यह है कि यही लखनऊ मंडी में हो जाता था, फिर जब मेरा बढ़ गया प्रोडक्शन तो मैं फिर दिल्ली की मंडी में गया। तो पहले तो मैं लखनऊ शताब्दी से भेजता था, फिर उसके बाद मैंने दो साल बाद जो है मैंने शताब्दी, यहाँ से फतेहपुर एक रेल तहसील है वहाँ से एक बिहार रक्सौल से ट्रेन चलती थी, रक्सौल से ट्रेन चलती थी दिल्ली के लिए, तो यहाँ से निकलती थी। मैंने उसका स्टॉपेज यहाँ पे रेलवे मंत्रालय से मैंने एप्लीकेशन दिया कि अगर अच्छा। मुझे 10 मिनट का स्टॉपेज दे दिया जाएगा तो मेरा और किसानों का पुल भी आसानी से वहाँ चला जाएगा और साथ में रेलवे को भी भाड़े के रूप में पैसे मिलेंगे। तो वो उन्होंने मेरा प्रस्ताव एक्सेप्ट किया और मुझे परमिशन दे दी कि 10 मिनट के लिए पुल रुकेगा। अच्छा, ये सर जो पॉली हाउस के अंदर ये जो हुआ है, ये कितने उसकी बेड है? और ये जो हाँ पॉली हाउस लगाने के लिए, जैसे हम जो एक ये एलोवेरा का पौधा है, एक बार लगाने के बाद लगभग 4 से 5 साल तक लगातार फूल देता रहता है। अच्छा, तो इसको हम लोग एक ऊंची बेड बनाते हैं, बेड मिट्टी की है, इसमें हम लोग खाद धान की जो एलोवेरा को रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स का पूरा एक मिक्सचर बनाते हैं, उसके बाद वो मिट्टी को जो है हम लोग ऐसे बेड बना देते हैं। तो जैसे जैसे पौधा नीचे जड़ उसकी जाएगी तो वहाँ से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, जैसे गोबर की खाद है, धान, मतलब वो सब आप इस पर डालते हैं? हाँ, इसमें पूरी अंदर पड़ी हुई है। तो जैसे अच्छा। जैसे नीचे जाएगा, क्योंकि जब 4 साल बाद जड़ की जड़ जो है 60 सेंटीमीटर नीचे तक चली जाती है। अच्छा, अगर वहाँ पे जड़ मतलब मिट्टी टाइट है तो फिर जड़ ग्रोथ नहीं करेगी। जैसे जैसे नीचे जड़ जाती है तो वहाँ उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब मिलते रहते हैं और मिट्टी मुलायम पोर्क होने की वजह से जड़ नीचे से जो है नीचे जाती रहती है, तो ग्रोथ होता है, इसीलिए बेड बनाया जाता है। हाँ, इसीलिए बेड बनाया जाता है। तो 4 साल के बाद फिर अगर शुरुआत फिर से करनी है? हाँ, इसके बाद ये 4-5 साल जब पौधा ख़राब हो जाएगा तो हम इसको दोबारा प्लांटेशन करेंगे, तो ये पौधा निकाल देंगे, मिट्टी निकाल देंगे, फिर दूसरी मिट्टी लाएंगे। अच्छा, नए सिरे से गोबर खाद, धान की भूसी, नीम की कली और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो जरूरत होती है, फर्टिलाइजर, पूरा मिक्सचर बनाते हैं, फिर ऐसे बेड बनाते हैं, फिर दोबारा नया पौधा रोपित करते हैं। तो ये मुनुद्दीन जी को आपने देखा जो आज फूलों की खेती से इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं और बाराबंकी में फूलों की खेती का जनक भी कह जाते हैं। मेरे साथ बाराबंकी के जिला उद्यान अधिकारी महेश जी हैं। महेश जी, कैसे देखते हैं मुनुद्दीन जी की सफलता को? मुनुद्दीन ने एक मिसाल कायम की है इस जनपद के लिए, इस प्रदेश के लिए, और इनकी जो मेहनत है वो एक तरह से उदाहरण बन गई आसपास के किसानों के लिए, बनी, काफ़ी लोग उससे प्रेरित हुए। ग्लेडोरस की खेती यहाँ पे जाड़े में नवंबर अक्टूबर में चारों तरफ ग्लेडोरस की खेती दिखाई पड़ती दफेदार पुरवा में, और पॉली हाउस का जहाँ तक संबंध है, जब इनकी सफलता को देखा गया, जनपद में कई प्रस्ताव आए, उनका प्रस्ताव शासन स्तर पर प्रेषित किया गया और उनको भी एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना से अनुदान दिया गया। अनुदान का जो पैटर्न है उसमें 422 रुपये प्रति वर्ग मीटर यानी स्ट्रक्चर पे मिलता है और जरबेरा के खेती करने वाले किसानों को 305 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फूलों के लगाने के लिए मिलता है, पौधों के लिए। इसी तरीके से मतलब जो पात्रता चाहिए उनको, तो उसके पास किसान के पास स्वयं की भूमि हो, उनके पास आधार कार्ड हो, बैंक खाता हो, साथ ही साथ प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराएंगे, उसके बाद शासन भेजने के बाद स्वीकृत करा दिया जाता है, फिर सत्यापन होता लगाने के बाद और उनको अनुदान की धनराशि उनको उनके खाते में दे दी जाती है। जिले में क्या स्थिति चल रही है सर, जागरूकता बढ़ी है लोगों में, कैसे आ रहे हैं प्रोजेक्ट अब जो रिक्वायरमेंट है लोगों की? अब पिछले साल हमारे पास करीब 6,785 वर्ग मीटर का क्या नाम प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे और उनको
अनुदान दिया जा रहा है। इसी तरीके से इस साल अब तक 10,000 वर्ग मीटर के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जा चुके हैं और इसमें निरंतर बढ़ोतरी होने की संभावना है। जैसे अब मोनुद्दीन जी बता रहा थे एक एकड़ में करीब 15 लाख का खर्चा आता है, किसानों को अगर शुरुआत में सब्सिडी मिल जाए या कंपनी को मिल जाए तो थोड़ा सा उनको बर्डन उनका कम हो जाएगा, कि क्योंकि सोचना भी किसान के लिए 15 लाख लगाना ये भी बड़ी बात है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लाभार्थी परक योजना है, किसान को लगाना होता है पहले पैसा, चाहे वो बैंक से ऋण लेकर लगावे चाहे अपने पास से उसे लगावे, फिर उसके बाद खाते में उसकी सब्सिडी अंतरित की जाती है और इसके लिए बैंक से ऋण भी लेना सुविधाजनक है, आप ऋण ले सकते हैं। सर फूलों की खेती की बात हो गई, इसी तरह से केले की भी खेती होती है, शिमला मिर्च है, स्ट्रॉबेरी है, बाराबंकी में और क्या क्या वैरायटी इस समय है खेती की जिसमें किसान जा सकता है जो और नई खेती करना चाहे तो? अब इधर जो पैटर्न चल रहा है जो मैंने पिछले साल से महसूस किया है जनपद में, ड्रैगन फ्रूट की खेती जिसके तरफ किसानों का रुझान बढ़ा है, स्ट्रॉबेरी की खेती की तरफ रुझान बढ़ा है, इसके अलावा यहाँ मेंथा ऑलरेडी पहले से ही हो रहा है लेकिन अभी उस पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है इसलिए हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं अभी, लेकिन स्ट्रॉबेरी को बढ़ाने के लिए उसके बाद इस समय हाई डेंसिटी प्लांटेशन का समय आ रहा है, जैसे बाग पहले लगते थे 10x10 मीटर पर लगते थे, आज आप नज़दीकी दूरी लगाइए, ज़्यादा संख्या में पौधे लगाएंगे आप अपने क्षेत्रफल में। इसी तरह अमरूद की खेती के लिए भी है, आप ड्रिप सिस्टम से लगाएंगे, पौधे से पौधे दे सिंचाई होगी, उससे क्वालिटी के साथ साथ आपकी लागत भी बचती है, तो निश्चित तौर पे उसको अपनाए किसान, हमारा संदेश यही है जी। तो खेती अब घाटे का सौदा नहीं है, बशर्ते आपके अंदर एक जुझारूपन होना चाहिए, सोचने और समझने की क्षमता होनी चाहिए तो, और जो फैसला लेने की क्षमता है वो सही दिशा में फैसला हो। सरकार भी आपके साथ है, तरह तरह के अनुदान मिल रहे हैं आपको, सब्सिडी मिल रही है, सरकार की तरफ से लोन भी मिल रहा है, तो आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति है तो आप मोनुद्दीन जी की तरह जीरो से हीरो बन सकते हैं, जिनके लिए आज एक ट्रेन रुक रही है उनकी उनकी फसल को ले जाने के लिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने पूरे गांव का नाम अब इसी से मशहूर हो गया कि फूलों का गांव है, तो ये मोनुद्दीन जी की सफलता है। मोनुद्दीन जी बहुत धन्यवाद आपका धन जीरो से बात करने के लिए, और बाकी किसानों से कोई अपील जो आप करना चाहें जो नए किसान हैं बाराबंकी में? उनसे मेरी अपील यही है कि वो लोग मतलब खेती को मतलब बुरा ना मतलब घाटे का सौदा ना माने और खेती में भी अपना भविष्य बनाया जा सकता है जैसे मैंने बनाया, इसके अलावा और बहुत लोग बाराबंकी के काफ़ी लड़के जो पढ़े लिखे लोग जो है बनाए हैं, और वो लोग भी आएँ खेती को जो है खेती के बारे में समझें। अब तो काफ़ी जानकारियां हमारे विभागीय जो है जो चाहे जिला उद्यान अधिकारी हो या उद्यान विभाग से या और भी उससे काफ़ी जानकारियाँ मिल सकती हैं, और मैं भी जो है किसानों के लिए मेरा भी प्रयास है कि हर किसान जो है के चेहरे पर मुस्कान हो, और हर किसान अगर कोई भी किसान मुझसे कोई जानकारी लेना चाहता है मैं 24 आवर किसानों के लिए रहता हूँ, कभी मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर अगर लेना चाहें तो नंबर ले सकते हैं। तो ये किसी भी देश के लिए एक मिसाल है मोनुद्दीन जी, और किसान हंसेगा तभी देश हंसेगा जो जैसा उन्होंने मोनुद्दीन जी ने बताया। तो किसान ऐसी खेती करके परंपरागत खेती से थोड़ा सा हटके नए ट्रेंड की खेती अगर शुरुआत करता है तो सीधा से मुनाफा कमाएगा और बम्पर मुनाफा कमाएगा। बाराबंकी से मैं नितिन श्रीवास्तव दैनिक जीरो के लिए।